श्री राधे, मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। मेरे फैमिली के मेंबर्स जितने भी मुझे देख रहे हैं, सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आज मैं जो आप लोगों के लिए उपाय लेकर के आया हूँ ना, इतना गजब का उपाय है, इतना अच्छा उपाय है। यदि आपने इस उपाय को कर लिए तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, ऐसी मनोकामनाएं जो अभी तक पूरी नहीं हो रही थी, आपको लगता था पूरी हो जाए तो मेरा जीवन सुधर जाए, जीवन बन जाए, पर वो पूरी नहीं हो रही थी, ऐसी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सारी, कितनी भी टेढ़ी मनोकामना हो, कितनी भी सख्त मनोकामना हो, कितनी भी ऐसी मनोकामना हो, सख्त का मतलब होता है कि आपको लगता है पूरी हो ही नहीं सकती, वो भी पूरी हो जाएगी यदि आपने इस उपाय को कर लिया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर उपाय है, बहुत ही बढ़िया उपाय है, पर ऐसे उपाय को आपको विश्वास से करना है। विश्वास से आप एक बार कर लीजिए, आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा, बहुत जल्दी प्राप्त होगा। बहुत ही बढ़िया उपाय है। बस एक बार मैं आप लोगों से बार बार कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के भी जीवन में कोई भी कष्ट चल रहा है, कोई भी समस्या चल रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी चल रही है, वो सभी लोग अपनी कुंडलियां सबसे पहले दिखाएं, सबसे पहले दिखाएं, क्योंकि जो भी परेशानी आपके जीवन में आती है वो आपकी कुंडली में स्थित ग्रहों के कारण आती है। जब ग्रह गड़बड़ होते हैं आपके जीवन में परेशानी आ जाती है। उन ग्रहों की दशाएं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, पांच प्रकार की दशाएं आपके जीवन में चलती रहती हैं, आपको दिक्कत आती रहती है, आप बाहर भटकते रहते हैं, अरे कैसे, क्यों परेशानी आ गई, किस कारण से परेशानी आ गई, खूब परेशान होते रहते हैं पर अपनी कुंडली नहीं दिखाते, और परेशानी है कुंडली में और आप घूम रहे हैं बाहर। इसलिए सब, अगर आप परेशान है, सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाइए, कर्जा है कुंडली दिखाइए, पैसा फंस गया कुंडली दिखाइए, व्यापार नहीं चल रहा है कुंडली दिखाइए, रोग लग गया कुंडली दिखाइए, धन नहीं आ रहा है कुंडली दिखाइए, भाग्य साथ नहीं दे रहा है कुंडली दिखाइए, कोई भी परेशानी है वो आपके ग्रहों के कारण है, और कोई तो उसका परेशानी का हल भी आपके ग्रह ही देंगे, इसलिए आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी। बिना कुंडली दिखाए आपकी परेशानी हल नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी परेशानी हल हो जाए तो कुंडली अवश्य दिखाइए। कुंडली दिखाने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी कुंडली नहीं भेजनी है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी मेरे पास कुंडली नहीं है, कुंडली नहीं मांग रहा हूं मैं, आपको केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और अपना नाम मुझे व्हाट्सअप करना है। उसकी छोटी सी सेवा राशि रखी मैंने, वो सेवा राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसका मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा, सारे उपाय बताऊंगा, कब कैसे क्या करना है। और मेरे बताए हुए यदि आपने उपाय कर लिए तो निश्चित ही 30 से 45 दिन के अंदर आपके जीवन में इतना परिवर्तन आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए आप कुंडली अवश्य दिखाइए। अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान सुनिए, और मैं सभी लोगों से, जितने मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे देख रहे हैं, सबसे कहना चाहता हूं कि 75% ऐसे लोग हैं जो डेली देखते हैं पर उन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सबसे कहूंगा जितने मेरे फैमिली मेंबर्स जो मुझे डेली देख रहे हैं वो लोग तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अब सुनिए आपको उपाय कौन सा करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए ये सूर्यास्त के समय आपको उपाय करना है। सूर्यास्त के समय आपको लेना खसखस का दाना, खसखस का दाना लेना और एक लाल कलर का कागज लेना। लाल कलर का कागज ना हो तो किसी सफेद कागज को भी आप सिंदूर के कलर से, आप वो रोली होती है लाल कलर की, उससे आप लाल कर सकते हैं। अभी कोई भी लाल चीज है आप उसे लाल कर लीजिए, लाल कर लीजिए आप कागज को। खसखस का दाना लेना, खसखस के दाने को पीस के उसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट जब बन जाए तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आप चाह रहे हैं कि मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, उस इच्छा को जो खसखस के दाने का पेस्ट था उससे उस लाल कागज में लिख देना है। लाल कागज में लिख दीजिए, जब सूर्यास्त होने वाला हो, सूर्यास्त बिल्कुल होने वाला हो तो अपनी छत पे चले जाइए। छत में जाने के बाद जहां सूर्यास्त हो रहा है उसके तरफ मुंह करके बैठ जाइए, कागज को अपने पास रख लीजिए और कागज को फोल्ड कर लीजिए। कागज को फोल्ड करने के बाद अपनी इच्छा जो भी है वो इच्छा आप बोलिए, कहे सूर्यदेव भगवान मेरी इच्छा पूर्ण करनी है आपको, आप इस इच्छा को पूर्ण कर सकते हो, आपकी कृपा, आपकी कृपा से ही इच्छा पूर्ण होगी। ऐसी प्रार्थना करिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए कागज को मोड़ दीजिए, 108 बार जब गायत्री मंत्र का जाप आपका पूरा हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, उस कागज को जला देना है। उस कागज को आप जला लीजिए, जब कागज जल रहा हो तब सूर्य की तरफ आपको ऐसे ऐसे, जैसे अपन लोग आरती देते ना भगवान को, ऐसे सूर्य की तरफ आपको आरती ऐसा देना है, और उसको जब सूर्य की तरफ दे दें फिर अपने तरफ भी ऐसा ऐसे करके लेना है, और ऊपर से लेके उस अग्नि को ऊपर से लेके अपने शरीर से पैरों तक उसको छुआ लेना, ऐसे लेकर के ऐसे ऐसे करके पूरा आपको ऐसे ऐसे करके पूरा छुआ लेना है। पूरा जब आपके शरीर में छू जाए, जब पूरी अग्नि जल जाए उसकी राख बचे तो राख को आपको अपने हाथ में ऐसे लेना है और सूर्य भगवान की तरफ ऐसे करके आपको फूंक मार के उड़ा देनी है राख को। ऐसे जब पूरी जल गई तो आपने राख हाथ में ली और फूंक मार के आपने ऐसी उड़ा दी, राख को उड़ा देना है
और जब ये क्रिया कर रहे हो तो मनी मन आपको ये प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरी इच्छा को पूर्ति करो। जब इतना आप कर लें उसका आपको करना है नीचे आ जाना है, हाथ मुंह धो लीजिए, उसके बाद अपने घर में प्रवेश कर जाइए। ये उपाय आप कर लीजिए, आपकी कैसी भी बड़ी सी बड़ी इच्छा हो, कैसी भी किसी प्रकार की इच्छा हो, इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत ही सरल उपाय है पर बहुत ही उत्तम उपाय है, सर्वोत्तम उपाय है। ये सभी लोग आप करिए और अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए, वो बहुत आवश्यक है। और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए, मैंने बार बार बोला आप अकेले नहीं, मैं आपके साथ हूँ। यदि आपके घर में एक सदस्य है तो दूसरा मैं हूँ, आपके घर में तीन सदस्य है तो चौथा मैं हूँ, यदि आपके घर में पांच सदस्य है तो छठवा मैं हूँ। आप अकेले नहीं है, मैंने बार बार बोला आप अकेले नहीं है, क्योंकि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, सदैव आपका हूँ, सदैव आप मेरे हैं, क्योंकि आप मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है, आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।